खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा सरकार हरियाणा के आखिरी कोने ट्राई सिटी डवाली में आज़ादी से पूर्व यानी कि करीब 120 वर्ष पुराने स्कूल को अब प्रदेश का पहला हाईफाई सुविधाओं से लैस और चार मंजिला बिल्डिंग के साथ एक सबसे सुंदर स्कूल बनाने जा रही है, जिसमें मनोहर सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट में ये शामिल प्रोजेक्ट होगा, जहां पर ऐसा स्कूल जिसमें देश के कई कैदावर नेताओं ने यहां से पढ़ाई की, जिसमें देश के रहे उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल, पूर्व में मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और पंजाब और पूरे देश के राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, यही वो सबसे पहली और सबसे पुरानी यहाँ की बिल्डिंग है। जब 1800 के करीब जब यहाँ पर सबसे पहले मदरसे की शुरुआत हुई थी, तब यहाँ पर मदरसा होता था और उसके बाद इसको धीरे धीरे आगे सब कुछ बदलता गया और आज इसको करीब 120 वर्ष से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। और इस स्कूल की नुहार को बदलने के लिए अब मुख्यमंत्री खट्टर की ओर से एक ड्रीम प्रोजेक्ट किसको लेकर तैयार किया गया, जो कि सीएम अनाउंसमेंट में शामिल हो गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की रकम से चार मंजिला एक बिल्डिंग तैयार होगी, जिसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात करें हम, और 55 के करीब इसमें कमरे होंगे और बहुत सुसज्जित तरीके के साथ तमाम जो सुविधाएं और लिफ्ट की सुविधा, इसके अलावा यहाँ पर जो ओपन एयर थिएटर होगा बच्चों का, ताकि वो यहाँ पर हर अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखा सकें, और भी बहुत बढ़िया जो सुविधाएं, और पूरा स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसका अलग से एक पोर्च होगा, और जिसके ऊपर चार मंजिला के ऊपर जो बिल्डिंग होगी उसी एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक के ऊपर जो लैब और जो कंप्यूटर लैब अलग से हैं वो यहाँ पर जो स्थापित की जाएगी। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी खुशखबरी डवाली के लिए है और पूरे हरियाणा का एक ऐसा पहला स्कूल होगा जो इस तरीके की सुविधाओं से लैस होगा, क्योंकि 1890 में यहाँ पर मदरसा होता था, फिर 1920 में इसको मिडिल का दर्जा मिला, फिर 1930 में उच्च विद्यालय बन गया, 1985 की बात करें तो इसको माध्यमिक विद्यालय वरिष्ठ का दर्जा मिला, और 2021 में वर्तमान जो अब मौजूदा वक्त की बात करें 21-22 की, तो इसको राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय का दर्जा इसको दिया गया है। तो ये इसमें प्रत्येक खेल का मैदान, जिसमें बास्केटबॉल की बात करें, फुटबॉल की बात करें, ये तमाम जो पार्क बनेंगे, और इसमें उस जब अंग्रेजों के ज़माने का स्कूल था तब यहाँ पर सिर्फ 12 कमरे होते थे, और अब इसको एक नया रूप देने की सरकार तैयारी में है, क्योंकि यही स्कूल जहाँ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, पड़ोसी सूबे पंजाब के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पढ़े हैं, और अब मुख्यमंत्री की योजना के तहत इसको चार मंजिला बिल्डिंग दी जाएगी, जिसमें चार ब्लॉक होंगे। एडम ब्लॉक के ऊपर एक लाइब्रेरी, ऊपर लैब होगी, इसके अलावा प्राथमिक, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक होंगे। बहुमंजिला मंजिल के चलते इसमें लिफ्ट की सुविधा भी शामिल की गई है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें किंडरगार्टन के अलावा पार्क, खेल मैदान और बच्चों की, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रतिभा को निखारने के लिए इसमें ओपन एयर थिएटर होगा, और मुख्यमंत्री की योजना के इसमें सम्मिलित किए गए इस खाके के तहत इसमें 55 क्लासरूम होंगे, और पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर करीब 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और जिसमें इसमें जो सरकार ने एक आर्किटेक्ट भेजकर इसका नक्शा भी तैयार कर लिया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसको अप्रूवल मिलने के बाद आगामी कार्य शुरू होगा, यानी कि टेंडर की प्रक्रिया होगी, और बहुत जल्दी आने वाले 4-5 वर्षों के अंदर एक बहुत बढ़िया प्रदेश का एकमात्र ऐसा विद्यालय जिसका कायाकल्प के साथ जिसको चुना है वो यहाँ पर मिलेगा। और प्राथमिक पाठशाला में यहाँ पर 401, मिडिल में 408 और सीनियर सेकेंडरी में 573 यहाँ पर विद्यार्थी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, कर यहाँ पर 1400 से भी ज़्यादा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक बड़ी एक खुशखबरी कही जाएगी, जहाँ पर देश की आज़ादी से भी पहले के स्कूल को
एक बड़ा रूप देते हुए यहाँ पर एक ऐतिहासिक कदम सरकार का कहा जाएगा, खट्टर सरकार का, और जिसमें सबसे ज़रूरी यह है कि यहाँ के तमाम राजनीतिक नुमाइंदों को आगे आकर इसके लिए हर यथासंभव प्रयास करने चाहिए ताकि इसमें कोई भी अड़चन ना आए और बहुत जल्द ये जो स्कूल है वो तैयार होकर यहाँ के बच्चों को मिले ताकि इस इलाके में जो शिक्षा के लेवल को और ऊंचा उठाया जा सके। सर, डबली के अंदर एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोला गया था 2021 के अंदर, अब सरकार की तरफ से एक नई बिल्डिंग बनानी जो है प्रस्तावित हुई है, जिसमें जो है ये बिल्डिंग 4 मंजिला होगी और इसमें 55 क्लासरूम होंगे, एडम एरिया अलग होगा इसका, और सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी इसकी कि स्कूल की बगैर किसी बाधा पहुंचाए अन्य बिल्डिंग को, और ये बिल्डिंग तैयार हो रही है। जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी उसके बाद जो है जो कमरे डिसमेल्ट करने वाले हैं और खेल के मैदान तैयार किए जाने वाले हैं वो उसके बाद होंगे, तो ये सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये सराहनीय कदम है सरकार का कि इस एरिया में जो है ये इतना अच्छा कार्य हो रहा है, और मेरे लिए भी एक यूँ मानना है कि सपनों के स्कूल वाली बिल्डिंग है। मेरे ख्याल में स्टेट में ऐसी बिल्डिंग ना हो कहीं, लेटेस्ट है तो इसमें सारी चीज़ें हैं जो वो होनी चाहिए, खेल के मैदान भी अलग अलग दिए जा रहे हैं और बिल्डिंग जो है एक कॉम्पैक्ट बिल्डिंग दी जा रही है, 4 मंजिला बिल्डिंग है ये, और इसके एक एडम एरिया अलग बनाया गया है और 3 ब्लॉक इसके अलग बनाए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था इसमें है और गेट जो है इसके जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी इसकी, और 4 गेट इसको दिए जा रहे हैं। मैं जो है बहुत ही इसकी प्रशंसा करता हूँ कि इस ब्लॉक के अंदर ये जो है इसको इतनी बढ़िया बिल्डिंग मिलनी जा रही है, और ये छात्र हित में है, ये स्टूडेंट के हित में है कि ये बिल्डिंग जो है हमारे को मिल रही है, तो और भी बच्चे जो है इसमें हम दाखिल वो कर सकेंगे, क्योंकि ये मॉडल स्कूल हो गया है तो हमारे ऊपर थोड़ा सा बंदिश सी रहती है कि बच्चों की संख्या के हिसाब से जो है, कमरों के हिसाब से जो बच्चों के दाखिल किए जाएं, तो मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है और इस ब्लॉक के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो है नई बिल्डिंग जो मिल रही है, मैं इसका वेलकम करता हूँ सारे विद्यालय परिवार की तरफ से और डबली की तरफ से। हाँ सर, जैसे ये आज़ादी से भी पहले का स्कूल है, कैसे पहले किस सन में यहाँ पर मदरसे की शुरुआत, और चौधरी देवीलाल जी, ओपी चौराला साहब और यहाँ से कई मुख्यमंत्री बनकर गए। 1890 में ये मदरसा था, 3 कमरे यहाँ पर थे, और 1920 में ये मिडिल स्कूल बना था, और आज़ादी से पहले का ये बिल्डिंग है और ये स्कूल है। यहाँ पर हमारे आदरणीय उप प्रधानमंत्री श्री देवीलाल जी भी यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं जो कि हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, और प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहीं से पढ़ करके गए हैं, वो हमने रिकॉर्ड में देखा है, रिकॉर्ड बोल रहा है वो, रिकॉर्ड में है वो। कई स्वतंत्रता सेनानी जो है यहाँ पर पढ़े हैं, ये ऐतिहासिक स्कूल है एक तरीके से, और जो है ये सौभाग्य की बात है कि ये स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर पूर्व जो है राजनीतिक लोग यहाँ पर जो रहे हैं पढ़ करके गए हैं, और सबके लिए खुशी की बात है ये स्कूल जो है इसको एक नई बिल्डिंग मिल रही है इसको।